सिमेंटिक वेस्टोल्यूशन की जानब से मैं मोहम्मद वसीम कैम्प्टेसिया स्टूडियो की इस सीरीज़ में इंस्टॉलेशन के बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि किस तरह से हम कैम्प्टेसिया स्टूडियो को आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए मैं अपना कैम्प्टेसिया स्टूडियो ओपन करता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारे सामने एक विंडो पैनल ओपन हो चुका है। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड द स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आप अपनी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो इंपोर्ट मीडिया, अपनी जो फाइल है वीडियो जो कि आपने रिकॉर्ड की है, आप उसे इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कैम्प्टेसिया को यूज़ करते हुए अपनी जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं जो कैम्प्टेसिया रिकॉर्डर है उसको ऑन करता हूँ। इधर मैं सर्च कर लेता हूँ कैम्प्टेसिया। ये देखिए कैम्प्टेसिया रिकॉर्डर, ये हमारे पास कैम्प्टेसिया रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। कैप्चर, यहाँ से आप F9 इसकी शॉर्टकट की है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट एरिया टू रिकॉर्ड, मीन्स कि आप जितने एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना ही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लॉक टू द एप्लीकेशन, जो कि अगर आप रिकॉर्ड करते हैं एप्लीकेशन को भी आप लॉक लगा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, ये आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड वेबकैम, अगर आपके आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आपके पास पीसी के साथ अगर कैमरा अटैच है तो इसको यूज़ करते हुए आप अपना जो कैमरा है उसको भी ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो पिक्चर है वो भी नज़र आएगी। इसके अलावा आप इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट है आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी फर्दर ऑप्शन है, आप यहाँ से जो इसका टाइम है रिकॉर्डिंग का वो भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड, इसकी जो क्वालिटी है इसको यहाँ पर आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। टूल, कैम्प्टेसिया स्टूडियो, कैम्प्टेसिया मेन्यू मेकर, ये किस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैम्प्टेसिया प्लेयर, कि किस आप वीडियो जो है कैम्प्टेसिया के जरिए प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं इस तरह। फुल स्क्रीन के बाद आप यहां से कस्टम भी कर सकते हैं 720 फुल HD, इसके बाद 480 भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप यहां से इसका जो साइज़ है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे भी ऑप्शन है वेब कैम के, कि अगर आप यहां से ऑन करते हैं यहां से तो जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद ऑडियो, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ऑडियो है आप उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी। मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मेरी ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रही है तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ से बेसिक सेटिंग कर सकते हैं इसकी, फुल HD कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल लाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।